मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है क्रिप्लेक्स चैनल पर। सबसे पहली खबर, सरफराज खान की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे कैप्टन T20 के सूर्यकुमार। मुंबई में खेली जाएगी एक बहुत ही शानदार लीग बाबू भूची मैच है और इसमें वो मुंबई की तरफ से खेलेंगे। सरफराज खान ने कप्तानी का जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे के अनुपस्थिति में उठाया है। ऐसे में सूर्य उनके साथ खेलेंगे और पहला मुकाबला खेल सकते हैं 19 सितंबर को तमिलनाडु क्रिकेट एकादश से। हालांकि काफी लंबे समय से उन्होंने लाल बॉल से क्रिकेट नहीं खेला है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वो प्रदर्शन करते हैं और शायद अच्छा प्रदर्शन रहा तो भारत के लिए वो टेस्ट मैच में भी खेल सकते हैं। लंबे समय तक क्रिकेट प्रेमियों को करना होगा इंतजार भारतीय क्रिकेट को लेकर। या दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारत और श्रीलंका के बीच जो एक सीरीज हुई है ओडीआई और T20 की, ऐसे में काफी अरसे के बाद जो है इंतजार करना होगा ओडीआई और T20 के मैचों को लेकर। और ये दूसरी खबर जो कि अहम खबर है, हालांकि बांग्लादेश का दौरा जो होगा भारत को लेकर वो दो टेस्ट मैचों के साथ होगा। पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाएगा जो कि 19 सितंबर से होगा और दूसरा जो टेस्ट होगा वो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। जीत पर श्रीलंका के कोच ने दिया एक बड़ा बयान, उन्होंने कहा पूरे देश ने देखा कि हमारे खिलाड़ी क्या कर सकते थे और उन्होंने करके दिखाया। जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा इस खबर पर, श्रीलंका के कोच सना जयसूर्या ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम को इनकरेज किया, उनको गाइड किया और बल्लेबाजी ही नहीं गेंदबाजी में भी कमाल करती हुई उनकी टीम ने ओडीआई में धमाल मचाया और भारत जैसी तगड़ी टीम को पराजित किया सना जयसूर्या की कोचिंग में। TPL जिसे कहा जा रहा है मिनी IPL का शेड्यूल आ चुका है, 17 अगस्त से खेली जाएगी ये टूर्नामेंट के सारे मैचों का अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला मुकाबला दिल्ली सिक्स जिसमें ऋषभ पंत नजर आएंगे और उनका मुकाबला होगा साउथ दिल्ली सुपरस्टार से। एक बहुत ही शानदार ये प्लेटफॉर्म DDCA की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, इसमें वो युवाओं को मौका मिलेगा जो क्रिकेट को कहीं ना कहीं इस मंच से अपने खेल को और बढ़ावा दे सकते हैं और इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं वीरेंद्र सहवाग। श्रीलंका की जीत पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान भट्ट ने कसा तंज, कहा भारत की कमजोर बल्लेबाजी साफ नजर आई। जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा पूर्व बल्लेबाज पाकिस्तान के और पूर्व कप्तान सलमान भट्ट ने कसा है शिकंजा। श्रीलंका के खिलाफ जो हुई है ओडीआई श्रृंखला जिसमें भारत की हार हुई है, ऐसे में उन्होंने कहा कि ये भारत की तगड़ी टीम थी जो श्रीलंका से हारी है और उन्होंने बताया कि भारतीय टीम स्पिन के खिलाफ नतमस्तक हुई। इस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और बहुत सारे धुरंधर बल्लेबाज थे, इसके बावजूद भी टीम इंडिया हारी है। इससे पता चलता है कि श्रीलंका ने कितनी शानदार क्रिकेट खेली होगी। ऐसे में देखना है इस बयान का क्या और अर्थ निकलता है, लेकिन इस खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।